सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 पाठ 9 फिराक गोरखपुरी पृष्ठ संख्या 56 से 61 तक। पृष्ठ संख्या 56 कवि परिचय। फिराक गोरखपुरी। मूल नाम रघुपति सहाय फिराक। जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत। बाद की शिक्षा अरबी फारसी और अंग्रेजी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित। पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। सम्मान गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। महत्वपूर्ण कृतियां गुले नगमा, बज़्मे जिंदगी रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। निधन सन 1983। अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। नजीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहां सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साधकर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। प्रकृति मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। पृष्ठ संख्या 57 कविता परिचय। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। मुझे चांद चाहिए, मैयारी मैं चंद्र खिलौना लय हूं, जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल है। मामा भी तो साक्षात खिलौना है बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले ना हो पर जो चंद्राभ रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है यह। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते ना थे मेले में। लोका देना घुटनियों में लेकर कपड़े पिन्हाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिद आया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं हिंदी उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे।
माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है। देख, आईने में चांद उतर आया है। चांद की परछाई भी चांद ही है। कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखड़े पर नर्म दमक लाने के लिए छठे छमासे पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध भाई का बहन से। पाठ में फिराक की एक गजल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गजलों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना है यह गजल। यह गजल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गजल की विशेषता मानी जाती है। पृष्ठ संख्या 58। रुबाइयां। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। आंगन में ठुनक रहा है जिद्याया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। पृष्ठ संख्या 59। गजल। नौरस खुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें। मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती होश हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। आबो ताब अशार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय मे रिंदों को,
रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुना जग खोले हैं। सद के फिराक एजाज़ सुखन के, कैसे उड़ाली ये आवाज़। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। पृष्ठ संख्या 60। अभ्यास पाठ के साथ। प्रश्न 1। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? प्रश्न 2। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है? प्रश्न 3। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। चर्चा कीजिए। टिप्पणी करें। क, गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। ख, सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। कविता के आसपास। इन रुबाइयों से हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के मिले जुले प्रयोगों को छांटिए। 2। फिराक ने सुनो हो, रखो हो आदि शब्द मीर की शायरी के तर्ज पर इस्तेमाल किए हैं। ऐसी ही मीर की कुछ गज़लें ढूंढ कर लिखिए। आपसदारी। कविता में एक भाव, एक विचार होते हुए भी उसका अंदाजे बयां या भाषा के साथ उसका बर्ताव अलग अलग रूप में अभिव्यक्ति पाता है। इस बात को ध्यान रखते हुए दी गई कविताओं को पढ़िए और दी गई फिराक की गज़ल रुबाइयों में से समानार्थी पंक्तियां ढूंढिए। क, सूरदास की पंक्ति, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों। ख, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ग, कबीर की पंक्ति, सीस उतारे भुई धरे, तब मिली है करतार। पृष्ठ 61। शब्द छवि। लोका देना, अर्थ उछाल उछाल कर प्यार करने की एक क्रिया। है, अर्थ है ही। नौरस, अर्थ नया रस। गुंचे, अर्थ कली। गिरहें, अर्थ गांठ। जर्रा जर्रा, अर्थ कण कण। शब, अर्थ रात। बदरुस्तीय होशो हवास, अर्थ विवेक के साथ। पासे अदब, अर्थ लिहाज। फितरत, अर्थ आदत। आबोताब अशार, अर्थ चमक दमक के साथ। बैत, अर्थ शेर। अंजुमने मय, अर्थ शराब की महफिल। रिंद, अर्थ शराबी। गर्दू, अर्थ आकाश या आसमान। तवाजुन, अर्थ संतुलन। बाबे गुनाह, अर्थ पाप का अध्याय। एजाज़े सुखन, अर्थात बेहतरीन या प्रतिष्ठित शायरी। आलमे हुस्नो इश्क, अर्थ सौंदर्य और प्रेम का जगत। इसी के साथ आरोह भाग 2 का पाठ फिराक गोरखपुरी यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।